नमस्कार साथियों, एस के एक्सीलेंस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 2E का क्वेश्चन नंबर 7वां, 8वां, 9वां, 10वां देखेंगे। 7वां सवाल है, द्विघात बहुपद x का स्क्वायर प्लस में 99x प्लस में 127 के शून्यांक हैं, ठीक है ना। तो इनके शून्यांकों को ज्ञात करना है, उसके बाद से जो विकल्प है उसमें से कोई ना कोई एक विकल्प। तो दिया गया द्विघात समीकरण क्या है? दिया गया द्विघात समीकरण है, यहाँ लिखेंगे, दिया गया द्विघात समीकरण 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 है क्या, एफ एक्स में मैंने एक्स के पद में समीकरण क्या है? तो एक्स का स्क्वायर प्लस में 99x और प्लस में 127, ठीक है। तो इसका जो है हम लोग शून्यांक ज्ञात करेंगे, और कैसे करेंगे देखिए, ये जो है मध्य पद के बाँट के इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो मध्य पद के बाँट के इसका गुणनखंड नहीं होगा, तो फिर होगा कैसे? तो इसको हम लोग करेंगे श्रीधराचार्य के विधि से, यानी कि श्रीधराचार्य के सूत्र से, श्रीधराचार्य के सूत्र से, श्रीधराचार्य का सूत्र क्या है? श्रीधराचार्य का सूत्र है माइनस में बी प्लस माइनस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac बटे में क्या 2a, ठीक है, बटे में 2a, ठीक है। अब देखिए हम लोग बी ए और सी का मान कहाँ से लाएंगे? तो इससे, इस समीकरण से तुलना करके। किस समीकरण से? अपना मानक समीकरण। द्विघात समीकरण का मानक समीकरण क्या होता है? ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ठीक है, बराबर जीरो से तुलना कर लेते हैं, ठीक है, बराबर जीरो अपना मानक द्विघात समीकरण। तो इससे तुलना करते हैं, तो ए के जगह पे क्या है? ए यहाँ पे, ए के जगह पे क्या है? एक है, तो ए बराबर यहाँ एक लिख देंगे। यहाँ बी के जगह पे क्या है? 99 है, तो बी बराबर 99 ले लेंगे, ठीक है। और सी के जगह पे क्या है? सी बराबर 12 ले लेंगे, 127 है तो 127 ले लेंगे, ठीक है। अब जो है इसमें मान रख देंगे, ठीक है। तो सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रखेंगे तो क्या होगा? माइनस में बी का मान कितना है? तो 99, तो 99 रहेगा। प्लस में, प्लस माइनस में क्या रहेगा? अंडर रूट में बी स्क्वायर, यानी कि 99 का स्क्वायर माइनस में 4, ए का मतलब 1 और सी का मतलब 127, और बटे में जो क्या रहेगा 2 ए, ए का मतलब 1, ए का मतलब 1, ठीक है। अब हम लोग जो है क्या करेंगे भाई, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो 99 को तो 99 ही रहने देंगे, ठीक है। इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इतना बराबर 99 को 99 रहने देंगे, प्लस माइनस में। अब 99 का वर्ग करेंगे, तो 99 का वर्ग करेंगे तो आपका आएगा 9801, ठीक है। और माइनस में 127 गुणे 4 करेंगे तो इसका आएगा आपका 127 गुणे 4, तो इसका आएगा 508, ठीक है। बटे में जो क्या हो जाएगा 2, बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस में 99 और प्लस माइनस में अंडर रूट में जो है क्या हो जाएगा, इतना में से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में 9293, अब बटे में क्या हो जाएगा 2, ठीक है, बटे में हो जाएगा 2। तो फिर बराबर लिख सकते हैं हम लोग, माइनस में 99 प्लस माइनस और अंडर रूट इसका करेंगे, इसका अंडर रूट निकालेंगे वर्गमूल, तो हो जाएगा 9640, और बट्टे में हो जाएगा 2, ठीक है, बट्टे में हो जाएगा 2, ठीक है। अब जो है, अब हम लोग जो देखिए, इसमें यहाँ पे दो चिन्ह है, ठीक है, तो एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर क्या होगा? x बराबर
ऋणात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर क्या होगा, ये हम लोग को x के दो मान प्राप्त होंगे, तो x बराबर ही होता है सूत्र, ये यहाँ पे सूत्र भी x से बराबर होता है, x के दो मान प्राप्त होंगे, एक हल प्लस लेने पर एक हल माइनस, ठीक है। तो अब धनात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर क्या हो जाएगा, जब धनात्मक ले रहे हैं तो माइनस में 99 और प्लस में कितना हो जाएगा 96.4 अपान में जो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसको जो है इसमें से घटाएंगे, प्लस करेंगे, इसमें से इसको प्लस करेंगे तो घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना होगा, घटने पे आएगा माइनस में 2.6 अपान में 2, बराबर हो जाएगा माइनस में 1.3, ठीक है, माइनस में 1.3 हो जाएगा। अब जो है ऋण चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर जो क्या होगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा माइनस में 99 माइनस में 96.4 अपान 2, बराबर हो जाएगा माइनस में 195 पॉइंट 4 अपान में 2, ठीक है। बराबर जो है क्या हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा माइनस में 97.7, ठीक है। तो ये दोनों मूल क्या है, ऋणात्मक आए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ दोनों मूल क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, अतः विकल्प 2 सही होगा, यहाँ दोनों मूल, यहाँ दोनों मूल क्या हैं, ऋणात्मक हैं, हाँ, अतः विकल्प 2 सही है, अतः विकल्प 2 सही है, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आठवां सवाल देखते हैं, अब इसको देखिए आठवां सवाल क्या कहता है, द्विघात बहुपद एक्स के स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस में के कामा और के इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्यांक हैं, इसके भी शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो इसी मेथड से जो है शेषाचार्य के सूत्र से ये शून्यांक ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है बहुपद एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, दिया है एक्स का स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस में के, ठीक है, जहाँ कंडीशन दिया है कि के 0 के बराबर नहीं है, और के 0 के बराबर हो जाएगा तो जो है ये जो है मान नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए कह रहा है कि के 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए इसको भी जो है शीघ्राचार्य के सूत्र से करेंगे, ठीक है। इसको तुलना कर लेते हैं अपने मानक समीकरण के एक्स के स्क्वायर धन बी एक्स अधन में सी, ठीक है। इसको जो है आप लोग शुरू से और लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, स्किप करके देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, और इसका दूसरा मेथड भी बताए हैं, ठीक है। तो अब देखिए, तो बी एक्स धन सी, अब इसे तुलना कर लेते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा 1, बी बराबर हो जाएगा के, और सी बराबर भी हो जाएगा के, सी बराबर भी हो जाएगा क्या के, ठीक है। अब देखिए यहाँ सूत्र में मान रखते हैं, सूत्र क्या है शेषाचार्य का, एक्स बराबर होता है माइनस में बी और प्लस माइनस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac, यहाँ तक रूट रहेगा, अब अट्टे में 2a होता है, ठीक है ना, ये शेषाचार्य का, शेषाचार्य का ये सूत्र है, ठीक है। अब जो है हम लोग जो इसमें मान रख देते हैं, तो माइनस में बी, अभी की जगह पे है के, तो के लिख देंगे, प्लस माइनस में अंडर रूट बी की जगह पे के का स्क्वायर माइनस में 4, और ए का मतलब है 1 और सी का मतलब है के, ठीक है। अब बटे में जो है 2a ले लेंगे, ए का मतलब हो जाएगा ए, ए का मतलब हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में के प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट के का स्क्वायर माइनस में 4k अपान में जो है 2 होगा, 2 हो गया, ठीक है। अब जो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, अभी हम इसको चाहे तो लिख सकते हैं कि k बड़ा होगा किस से, इससे, अंडर रूट में k स्क्वायर माइनस में 4k बटे 2 से, ठीक है।
तो माने के का मान जो है बड़ा होगा इससे, तो इसलिए यह कभी भी दोनों मूल धनात्मक नहीं होंगे। ठीक है, तो ये कह देने से आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए हम जो है देखिए के सब जगह एक जैसे के है ना, इसमें के सब जगह समान है ना, तो हम लोग जो है के माने इसका मान एक नंबर के रूप में प्राप्त हो, तो के का जो है कोई भी मान ले लीजिए आप, कोई भी नंबर ले लीजिए, हमने जो है एक ले लिया। ठीक है, आप दो ले सकते हैं, तीन, कुछ भी नंबर ले लीजिए, तो इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा कि मूल क्या हो रहा है। ठीक है ना, तो हमने जो है एक ले लिया के का मान, यहाँ के बराबर एक ले लेते हैं। ठीक है, अब के का मान एक रख के इसको हल करते हैं, तभी पता चल जाएगा ठीक है कि मूल धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक आएगा, क्या होगा। ठीक है ना, तो जो है कोई भी मान ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, क्योंकि के एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब कोई भी नंबर। ठीक है ना, तो के का कोई भी नंबर ले लीजिए, तो हमने जो एक ले लिया, तो के जगह पे एक लिखते हैं, तो माइनस में एक, अब प्लस माइनस में अंडर रूट में के जगह पे एक लिखना है, तो एक का वर्ग करेंगे एक ही होगा, और माइनस में फोर, और के गुणे एक तो एक है। ठीक है, अब बटे में टू। ठीक है, तो अब जो है माइनस में वन, अब प्लस माइनस में अंडर रूट, देखिए ये हो जाएगा क्या, चार एकनम चार होगा, चार एकनम चार, एक माइनस चार एकनम चार, अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा, दो होगा। तो अब जो है इसको लिख सकते हैं माइनस में वन, अब प्लस माइनस में अंडर रूट क्या हो जाएगा, माइनस में तीन, माइनस में तीन होगा ना, माइनस में तीन, अब बट्टे में दो। ठीक है, ठीक है, अब देखो अब जो है क्या कर सकते हैं, इसको जो है अब लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे माइनस में वन, अब प्लस माइनस में अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री का मान अब लिख देते हैं, माइनस में अंडर रूट थ्री का मान क्या होगा, माइनस में अंडर रूट थ्री का मान होगा, अंडर रूट थ्री का मान होता है 1.732, तो यहाँ जो है अब इसका मान ही लिखते हैं, तो माइनस में वन, अब प्लस माइनस में अंडर रूट थ्री का मान हो जाएगा माइनस में 1.732। ठीक है, अंडर रूट थ्री का मान होता है, अब माइनस में है तो माइनस में हो जाएगा 1.732, अब बट्टे में दो। ठीक है, तो अब यहाँ जो है एक बार हम लोग धनात्मक लेंगे, एक बार ऋणात्मक लेंगे, तो धनात्मक जो है मान ले लीजिए, धनात्मक चिन्ह लेने पर धनात्मक मान लेने लेने पर लेने पर धनात्मक मान लेने पर धनात्मक मान लेंगे, तो माइनस में वन, अब प्लस यहाँ लेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और क्या होगा 1.732 बटे में दो हो जाएगा। ठीक है, तो सब मिला जुला के देखिए ना, ये माइनस अब जुट जाएगा, तो माइनस में 2.732 हो जाएगा ना, ये जुट जाएगा बटे में दो, तो ये भी जो है कितना आएगा, माइनस में ही आएगा, माइनस में आ रहा है ना, ये माइनस में हो गया। अब जो है हम ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं, तो माइनस में वन, अब माइनस में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा ना, माइनस माइनस प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा 1.732 बटे में दो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो पॉइंट में जो है 732, ये प्लस में हो गया। ठीक है, तो इसके एक ऋणात्मक आया, एक धनात्मक आया, तो यहाँ जो हम लोग जो है क्या कह सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं कि दोनों शून्यांक क्या होंगे, धनात्मक नहीं हो सकते हैं, दोनों शून्यांक धनात्मक नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं ना, तो इसलिए हमारा विकल्प एक सही होगा। ठीक है, इसलिए विकल्प क्या होगा, एक सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ सकता है, और यही हम कह दें कि ये बड़ा है इससे, तो इसका मान एक बार धनात्मक एक ऋणात्मक होगा, ये जो है आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, आ रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए आप ऐसे भी करके, और इसका शून्यांक ही देखना ही ना है कि धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, तो जो है कोई भी एक संख्यात्मक मान के का आप लेके देख सकते हैं, एक धनात्मक आएगा एक ऋणात्मक आएगा। ठीक है ना, फिक्स है, तो इस प्रकार से हम लोग इसका शून्यांक बता सकते हैं। ठीक है, कि धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब हम 9वां सवाल देखेंगे, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स के स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो के शून्यांक बराबर है, तो यदि इनके शून्यांक बराबर है तो देखिए
यदि इसके शून्यांक बराबर हैं तो इसके जो है विभिक्तर का जो मान होगा वह क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक है, यदि इसके शून्यांक बराबर हैं तो इसका जो विभिक्तर होता है, विभिक्तर यानी कि डी 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 बराबर जीरो होगा। विभिक्तर का मान जो है कैसे निकालते हैं, इसको डी को जो विभिक्तर कहते हैं, विभिक्तर का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसका मान जो है क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक है, जब इसका मान जीरो के बराबर है तो यह इसका मान जीरो के बराबर जब भी होता है जब ए और सी या फोर ए सी होता है, फोर ए सी ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस में फोर ए सी बराबर जीरो होगा। मैंने विभिक्तर का मान जीरो का मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान जीरो, क्योंकि डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान जीरो है। तो यह तभी संभव है जब ए और सी के मान जो है क्या हो, चिन्ह समान हो, ए और सी के चिन्ह समान हो, या तो दोनों धनात्मक हो या तो दोनों ऋणात्मक हो, ए और सी के चिन्ह समान होने चाहिए, चिन्ह समान होने चाहिए। तो इस टाइप का जो विकल्प किसमें है, क्या कह रहा है, ए और बी के चिन्ह विपरीत होने चाहिए, चिन्ह के हो, एक ही चिन्ह के हो, यानी कि सी और ए एक ही चिन्ह के हों तो जो है क्या होगा, यानी कि नहीं चिन्ह समान होना चाहिए, तो चिन्ह जो है क्या होगा, सी और ए के एक ही चिन्ह के हों, ये वाला विकल्प सही होगा। ठीक है ना, यानी कि आपका तीसरा विकल्प सही होगा। ठीक है, तो तीसरा विकल्प हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को जो है ये जो है थोड़ा सा आप लोग द्विघात समीकरण जब पढ़ेंगे ना तो उस समय समझ में आएगा। ठीक है, मैंने देखिए जब भी जो है इसके शून्यांक बराबर है, शून्यक बराबर है ना, जब इसके शून्यांक जब भी बराबर प्राप्त होते हैं, जब इसके विभिक्तर के मान जो है जीरो के बराबर हो जाते हैं। ठीक है ना, मैंने इसका तुलना करके जब विभिक्तर निकालेंगे तो उसका विभिक्तर शून्य हो, तो इसके जो है जो इसका जब द्विघात समीकरण का मान प्राप्त करेंगे तो इनके दोनों मूल क्या होंगे, समान आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक है ना, जब गुणनखंड करके मान प्राप्त करेंगे तो ठीक है, तो जो है और मूल बराबर होने के लिए जो ए और सी के चिन्ह समान होने चाहिए, तभी जो मूल बराबर आते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपका विकल्प सी सही है। ठीक है ना, अब देखिए दसवां कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस में एक धन बी के रूप में एक द्विघात बहुपद एक शून्य दूसरे शून्य का ऋणात्मक है तो इनमें से कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद ऋणात्मक होता है, हैं? इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद धनात्मक होता है, तो जो है इसको जो है इसमें से आपका विकल्प नंबर एक सही होगा। इसमें रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद ऋणात्मक होता है, इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद धनात्मक होता है, तो इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता है तथा अचर पद ऋणात्मक होता है। ठीक है ना, तो इसको जो है कैसे करेंगे, आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ठीक है, देख लीजिए, इसने कहा है कि इसके जो है दो जो मूल हों, दो मूल एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, तो माना कि इसके दो मूल एक अल्फा है एक माइनस में जो है, मूल समान हो लेकिन एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, तो एक जो है अल्फा ऋण में ले लिया। ठीक है, और जो है ये समीकरण कौन सा दिया है, जिस समीकरण द्विघात समीकरण दिया है ax² अधन ax अधन में b, ठीक है ये दिया है। तो अगर हम लोग ये विपरीत मूल है और मूलों का योगफल ज्ञात करते हैं, मूलों का योगफल, तो देखिए मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा अधन बीटा, अगर दो मूल हो और उनको जोड़ा जाता है तो माइनस में बी अपान ए आता है। बी और ए क्या है, तो देखिए बी और ए यहाँ से ज्ञात किया जाता है, जैसे कि ए एक्स का स्क्वायर धन बी एक्स अधन में सी, इससे तुलना करके बी और ए जो है लाया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए बी के जगह ए है ना, तो बी बराबर है ए के, ठीक है ना, तो बी बराबर ए है, और यहाँ जो है सी के जगह पे बी है तो सी बराबर है बी के, और यहाँ पे देखिए ए बराबर है एक के, ए कितने के बराबर है एक के। ठीक है, तो अब हम लोग जो है मूलों का योगफल निकालते हैं, भाई मूलों का योगफल का ये सूत्र होता है, ठीक है, अल्फा धन बीटा बराबर माइनस में बी अपान ए होता है ना। अब देखिए मूलों का योग, यहाँ जो है दो मूल है विपरीत चिन्ह के, तो मूलों का योगफल करते हैं तो अल्फा माइनस में अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, जीरो, भाई जोड़ेंगे तो ये माइनस होगा, माइनस होगा तो जीरो हो जाएगा।
अब जीरो होगा तो अब माइनस में बी अपान ए से अगर तुलना करते हैं ठीक है, तो बी बराबर है ए के, तो ए का मान जो है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैंने अगर देखा जाए तो भाई ये जीरो है तो जीरो बटे जीरो होगा तभी ना माइनस में बी अपान ए होगा। तो यहाँ देखिए बी बराबर जीरो आ रहा है तुलना करने पर, भाई बी बराबर ए तो ए का मान जीरो हो जा रहा है, ए का मान जीरो हो जा रहा है यहाँ पे इस समीकरण में ए का मान क्या हो गया, जीरो, क्योंकि बी का मान जीरो आएगा इसे तुलना करने पर, तो बी का मान जो है जीरो आ रहा है, तो ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं जीरो। आज जब ए बराबर जीरो हो जाएगा तो ये पद ही गायब हो जाएगा, आज जबकि रैखिक समीकरण होने के लिए ये पद चाहिए ठीक है, भाई यहाँ जीरो रख दिया जाए ए के जगह पे तो ये पद गायब हो जाएगा यहाँ से, और रैखिक समीकरण के लिए ये एक एक घात का जो है पद जरूर चाहिए ठीक है। तो यहाँ अब हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ये जो समीकरण होगा ये समीकरण एक रैखिक नहीं होगा, रैखिक नहीं हो सकता है अगर ए बराबर है जीरो के, तो हम लिख सकते हैं ए बराबर जीरो है तो ये समीकरण है एक्स का स्क्वायर अधन ए एक्स अधन बी, एक जो है रैखिक समीकरण नहीं होगा, रैखिक रैखिक समीकरण नहीं होगा, रैखिक समीकरण नहीं हो सकता है, रैखिक समीकरण नहीं हो सकता है ठीक है, एक एक जो है शर्त ये निकल गया ठीक है, रैखिक समीकरण नहीं हो सकता है ठीक है। अब जो है हम लोग देखते हैं कि क्या यह ऋणात्मक हो सकता है कि धनात्मक हो सकता है, चाहे क्या हो सकता है ठीक है। तो अब जो है यहाँ शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं, देखिए शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए ठीक है ना, तो सी अपान ए, तो यहाँ हम लोगों का जो है मूल दोनों जो है क्या है, एक ऋणात्मक है एक जो धनात्मक है, और विपरीत नहीं है जबकि समान है, तो अल्फा इंटू माइनस में अल्फा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में अल्फा का स्क्वायर होगा ना, माइनस में अल्फा का स्क्वायर होगा, माइनस में अल्फा का स्क्वायर ठीक है, तो माइनस में अल्फा स्क्वायर, माइनस में अल्फा स्क्वायर बराबर बी तभी संभव है जब बराबर बी मैंने यह बी के बराबर होगा, यह तभी संभव है जब बी क्या हो, छोटा हो जीरो से, जब बी का मान जो है जीरो से छोटा हो ठीक है ना, यह तभी संभव है जब बी का मान जो है क्या हो, जीरो से छोटा हो तब ना माइनस में आएगा ठीक है, जीरो से छोटा हो। तो अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसलिए इसका जो रैखिक पद नहीं है और अचर पद ऋणात्मक है, इसलिए जो है तो अचर भाई माइनस में जो है अचर पद ऋणात्मक आ रहा है ना, सी का मान जो है क्या है माइनस में आ रहा है तो अचर पद ऋणात्मक हो रहा है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि इसका यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए इसका रैखिक पद नहीं है, इसलिए इसका रैखिक पद नहीं है, रैखिक पद नहीं है और अचर पद ऋणात्मक है, और अचर पद ऋणात्मक है, अचर पद ऋणात्मक है, इसलिए विकल्प जो है कौन सही है, पहला, इसलिए जो विकल्प पहला सही है ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं 10वां सवाल, ये हो गया 10वां, अब हम लोग देखते हैं 11वां, देखिए 11वां में जो है आपका, देखिए ये जो है आपका जो है क्या दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है ठीक है, तो ग्राफ में क्या कह रहा है, में कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, द्विघात बहुपद का आलेख कौन नहीं होगा, देखिए यहाँ पे जो है ये देखिए सब में जो है इसके भी ये ऐसे हैं तो इसमें भी दो हल दे होंगे, ये भी दो जगह इसको काट रहा है तो इसके भी दो हल होंगे, इसके भी ऐसे हैं तो दो हल होंगे ठीक है ना, लेकिन इसके जो है हल एक दो तीन, इसके तीन हल हो रहे हैं, तो द्विघात समीकरण के दो ही हल होते हैं, तीन हल होते नहीं हैं ठीक है, और इस टाइप का जो है अगर समीकरण है ग्राफ है तो इसके तीन हल बता रहा है, क्योंकि यह एक्स अक्ष पर तीन जगह काट रहा है तो इसके तीन हल हैं ठीक है, तो द्विघात समीकरण के जो है तीन हल हो ही नहीं सकते, द्विघात समीकरण के या तो दो हल होंगे या तो एक हल होंगे, ये एक जगह काटा है तो एक हल हो सकता है ठीक है, ये कहीं नहीं काटा है तो द्विघात समीकरण का जो है एक हल जो है शून्य हो सकता है ठीक है,
तो शून्य हो सकता है, लेकिन द्विघात समीकरण के तीन हल नहीं हो सकते हैं, अतः जो यह क्या है, द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, यह द्विघात बहुपद का आलेख नहीं होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये सभी सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, 7 से ऊपर वाला 1 2 3 4 5 6 7 का जो है वीडियो बना के देंगे आप लोगों को। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।